नमस्कार, गुड लक टिप्स कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जिज्ञासा शर्मा। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, आज गुड लक टिप्स में हम खास तौर पर चर्चा करने वाले हैं आज के राशि फल के बारे में। राशि के अनुसार कैसा आपका दिन रहेगा, क्या कुछ खास आपको आज के दिन करना है, जानेंगे पंडित जी से। और शो की शुरुआत करते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के साथ। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल के बारे में। तो कैसा रहेगा राशि अनुसार आज आपका दिन, आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे आज के गुड लक टिप्स और आज के दिव्य मंत्र। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन की शुरुआत नौकरी से जुड़ी, कार्यक्षेत्र से जुड़ी समस्याओं को सॉल्व करने से होगी, हल करने से होगी। यदि आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आज उस कंपटीशन में आपकी जीत हो सकती है, बशर्ते आप पूरी मेहनत से और लगन से उस कंपटीशन को फाइट करें। अफेक्शन के मामले में, प्यार के मामले में आज का दिन आपके लिए ठीक रहने वाला है, बट यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ। स्वास्थ्य का ध्यान आज आपको रखना बेहद जरूरी होगा। डोंट गेट टू बी इमोशनल टूडे। आज के दिन क्या करें, इसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। तो आज के दिन की सफलता के लिए श्री हनुमान जी महाराज के चित्र के समक्ष हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, निश्चित तौर पर आज का दिन सफलताओं से भरा रहेगा। आज क्या नहीं करें, यह भी महत्वपूर्ण बात है। तो आज हमारे मेष राशि वाले जो दर्शक है, आपको किसी भी तरह के आर्गुमेंट से, वाद विवाद से बचना होगा, आप सभी इसका ध्यान रखिएगा। चलिए अब जानते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप अपने में मस्त रहेंगे, खुशनुमा मन बना रहेगा आज आपका। यू फील कूल कूल, हैप्पी हैप्पी टुडे। ध्यान रखिएगा, आज आपके लिए एक फलसफा है, एक गुरु मंत्र है, वो क्या है, किसी भी विरोधी की, शत्रु की, अगर कोई आपका विरोधी, आपका कोई शत्रु है और अगर आपकी वो आलोचना करता है, आपको क्रिटिसाइज करता है, तो आज अपने किसी भी विरोधी की, किसी भी शत्रु की आलोचना की तरफ आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन योर वर्क। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना काम करते रहना है। अर्जुन की आँख सिर्फ मछली के ऊपर थी, लक्ष्य के ऊपर ध्यान दीजिएगा, निश्चित तौर पर सफलता एक दिन जरूर आपके कदम को चूमेगी। जो अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देते हैं, सफलता उनके आसपास मंडराती है। आज आप अपने सोशल सर्किल में मेलजोल बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं। तो आपका जो सोशल सर्किल है उसमें मेलजोल बढ़ाइएगा, सबसे राजी खुशी बात कीजिएगा, हंसते मुस्कुराते बात कीजिएगा, और कोई क्रिटिसाइज करे तो उसके ऊपर आज ज्यादा कंसंट्रेट करने की आपको आवश्यकता नहीं है। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शकों को आज क्या करना चाहिए, ये भी जान लेते हैं। तो आज वृषभ राशि वाले जो दर्शक हैं, आज के दिन की सफलता के लिए यदि कहीं आपको अपाहिज व्यक्ति दिख जाए, अपंग व्यक्ति दिख जाए, जो बैसाखियों पर हो, व्हील चेयर के ऊपर हो, तो ऐसे अपाहिज अपंग व्यक्ति को एक समय का, कम से कम एक समय का भोजन आज आप अवश्य करा दीजिएगा, निश्चित तौर पर आज आपका दिन सफलताओं से भरा रहेगा। आज क्या नहीं करें, यह भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अकारण, बगैर किसी कारण के, बगैर किसी बात के, अपने साथी बंधुओं के ऊपर, अपने परिवारजनों के ऊपर शंका नहीं करनी है, शंका नहीं करनी, किसी भी तरह का संशय नहीं करना है, इस बात का आप सभी दर्शक ध्यान रखिएगा, वृषभ राशि वाले विशेष तौर पे।
चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आइए जानते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा आपके लिए। आज आप दूसरों के इमोशंस को पहचानिएगा, सामने वाला आपसे किस तरीके से बात कर रहा है, उसके मन में क्या है, उसका इमोशन क्या इंडिकेट कर रहा है। अगर आप दूसरों के इमोशंस को पहचान कर उसके अनुसार उनके साथ ट्रीट करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनके अनुसार चलेंगे, निश्चित तौर पर आपको काफी आत्मसंतोष होगा, सेल्फ सेटिस्फेक्शन महसूस होगा। अगर हम किसी से अच्छे से बात कर लेते हैं, उसको लगता है वो हमारी प्रॉब्लम को शेयर कर रहा है और हम उसकी प्रॉब्लम को सुन के उसको समाधान बताते हैं, तो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है कि हमने किसी को सही दिशा दी है। कभी कभार दूसरों की बात सुनने में कोई परहेज नहीं होता है। कोई आपसे कुछ कहना चाहता है तो बैठिएगा, समय दीजिएगा, आज उसको सुनिएगा। चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे आपके कोलीग्स हों, चाहे आपके साथ काम करने वाले हों। ऑफिस में भी टीम वर्क के जरिए ही आज आप किसी कठिन समस्या का समाधान निकालने में सफल हो सकते हैं। आप जहाँ कार्यक्षेत्र है, जो आपकी टीम है, उस टीम के सपोर्ट से कोई बड़ी प्रॉब्लम अगर आपके सामने हैं तो पूरे टीम के सपोर्ट से उस प्रॉब्लम से आज आप निकल सकते हैं। तो कुल मिला के आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। अब ये समझ लेते हैं मिथुन राशि वाले दर्शक, आज क्या नहीं करें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले जान लेते हैं कि आज क्या करना है। तो मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन की सफलता के लिए भगवान शिव की आराधना कीजिएगा। भगवान शिव की आराधना कीजिएगा, एक आधा किलो दूध का पैकेट भगवान के श्री चरणों में अर्पण करके उस दूध का पैकेट या तो मंदिर में ही पुजारी को दान कर दीजिएगा, नहीं तो बाहर किसी को भी दे दीजिएगा। दूध का दान करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, पूरा दिन आपका सफलताओं से भरा रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि आपको क्या नहीं करना है। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको क्या नहीं करना है, तो आज आपको पार्टी इत्यादि में बने भोजन का सेवन नहीं करना है। आज जो भी आप खाना खाएंगे, भोजन करेंगे, चाहे लंच हो, चाहे डिनर हो, चाहे ब्रेकफास्ट हो, घर में बना हुआ भोजन, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट ही आपको करना है। बाहर का बिल्कुल खाना नहीं खाना है, नहीं तो आज एसिडिटी की बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज बाहर का बना हुआ भोजन आपको नहीं करना है। मिथुन राशि वाले दर्शक ध्यान रखिएगा। तो दर्शकों, तीन राशियों के बारे में आपने पंडित जी से जाना, अब बात करते हैं कर्क सिंह कन्या राशि की। जाइए बिल्कुल जान लेते हैं कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए आज का दिन कैसे रहने वाला है, क्या कहती है किस्मत आपकी, कितने चमकेंगे आपके सितारे। तो कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके पास खुद को सही साबित करने के कई मौके आएंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आज आपके सामने आएंगी। आपको उन अपॉर्चुनिटीज को कैश करना होगा और अपने आप को साबित करना होगा। उन अपॉर्चुनिटीज को, उन मौकों को पहचान कर उन पर खरा उतरना आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी है। मौके जो होते हैं, अपॉर्चुनिटीज जो होती है, बार बार नॉक नहीं करती है, ध्यान रखिएगा। तो आज जो भी आपको अच्छा मौका मिले, चाहे आपका कार्यक्षेत्र हो, वर्किंग सेक्टर हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी एजुकेशन हो, जो भी हो, अगर आज आपको मौका मिलता है उसको अचीव कीजिए, फुलफिल कीजिए उसको। पुट योर 100% एफर्ट्स, रेस्ट लीव ऑन द गॉड। घर में कोई पूजा सत्संग का प्रोग्राम आज बन सकता है, और यदि घर में कोई पूजा पाठ सत्संग का प्रोग्राम बने तो सारे काम छोड़कर आज भगवान की आराधना भी कीजिएगा, पूजा सत्संग में बैठ के सत्संग का लाभ उठाइएगा। खरीदारी का आज योग बन रहा है, आपकी पॉकेट थोड़ी ढीली होने वाली है। पॉकेट में जितने पैसे आज आप रख के निकलेंगे, उसमें से काफ़ी पैसे जो हैं आज आपकी खरीदारी में खर्च हो जाएंगे। आपका जो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, उसका बैलेंस भी आज कम होना निश्चित है। आइए अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले दर्शकों को आज क्या करना चाहिए ताकि आज का दिन उनके लिए सफलताओं से भरा रहे। तो कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन की सफलता के लिए माँ दुर्गा की आराधना करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, निश्चित तौर पर आज का दिन आपके लिए सफलताओं से भरा रहेगा।
अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले हमारे दर्शकों को क्या नहीं करना है आज के दिन। तो कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज शेयर मार्केट में लेन देन से आपको बचना होगा। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, किसी की जमानत, किसी की गारंटी, इन सब चीज़ों से आपको बचना होगा, शॉर्टकट से आपको बचना होगा। आप सभी दर्शक ध्यान दीजिएगा। चलिए बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा। आज का दिन कूल कूल हैप्पी हैप्पी बना रहेगा। अगर आप किसी से वाद विवाद करते हैं, बहसबाजी आज आप करते हैं, वैसे आपको करनी नहीं है, लेकिन यदि हो जाती है किसी से वाद विवाद या बहसबाजी, आर्गुमेंट, तो उस आर्गुमेंट में आपको सक्सेस मिलेगी, जीत आपके पास होगी। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो किसी जानकार की सलाह लेने की जरूरत आज पड़ सकती है। और यदि किसी से की सलाह लेनी हो, अगर आप कोई बड़ी डील कर रहे हो और किसी की सलाह लेनी हो, तो सलाह लेने में छोटे मत बनिएगा, हिचकिजिएगा मत। अगर आपसे ज़्यादा कोई अनुभवी है तो उसकी सलाह पे चलिएगा। हर नए काम के कानूनी और तकनीकी इन दोनों पहलुओं पर अच्छी तरीके से गौर करने के पश्चात ही कोई नई डील साइन कीजिएगा। किसी भी कागज़ पे साइन करें तो उसके आगे पीछे सब सोच लीजिएगा, वकील से राय ले लीजिएगा, टेक्निकल टीम से राय ले लीजिएगा, उसके बाद में सिग्नेचर कीजिएगा। आइए अब जान लेते हैं कि आज के दिन को सफल बनाने के लिए आपको क्या करना है। तो आज के दिन की सफलता के लिए गायत्री मंत्र का जाप करके कम से कम 11, 21, 51, 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। निश्चित तौर पर पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। आइए अब जान लेते हैं हमारे जो सिंह राशि वाले दर्शक हैं, आज आपको क्या नहीं करना है। तो हमारे सिंह राशि वाले जो दर्शक हैं, आज आपको अपने क्रोध पर, अपने गुस्से के ऊपर, अपने आवेश के ऊपर कंट्रोल रखना होगा। अपनी वाणी के ऊपर आपको कंट्रोल रखना होगा, मीठा मीठा बोलना होगा, गुस्से में खराब शब्द नहीं बोलने हैं। ये मुंह से निकले हुए जो शब्द हैं वो तीर का काम करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमारे जितने भी सिंह राशि वाले दर्शक हैं, आज वाणी पे संयम रखिएगा, आवेश गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, जानते हैं कि कैसा रहेगा आज आपका दिन। तो कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके ऊपर ढेर सारी जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाली हैं, इसलिए कंधों को मजबूत रखिएगा। क्योंकि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो उससे बचना नहीं है, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेना है, जिम्मेदारियों को लेना है, तभी तो सफलता मिलेगी। चाहे मामला आपकी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज या आपके ऑफिस की हो या घर की हो, सारी जिम्मेदारियों को अच्छी तरीके से निभाने में कामयाब भी हो जाएंगे। तो आज अगर आपको कोई टारगेट दिया जाता है तो डोंट गेट टू बी कंफ्यूज, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, 100% आप कर पाओगे। इसलिए मन में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, मजबूत बन के उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लीजिएगा, उद्देश्य को पूरा कीजिएगा। घर के कुछ पुराने जो अटके हुए, लटके हुए जो काम है, रुके हुए जो काम है, उनको पूरा करने का भी आज आपको समय मिल सकता है, वो भी पूरा हो जाएंगे। सेकेंड हाफ में, आज के दिन के सेकेंड हाफ में, पोस्ट लंच सेशन में, आज अपने दोस्तों के साथ, हाँ, अपने जीवन साथी के साथ, अपने लवर के साथ घूमने फिरने का प्लान भी आज आपका बन सकता है। आइए दोस्तों जान लेते हैं अब कन्या राशि वाले दर्शकों को आज क्या नहीं करना है और क्या करना है। शुरुआत करते हैं आज के दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें। तो कन्या राशि वाले जितने हमारे दर्शक हैं, आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग भगवान गणेश जी को अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अब जान लेते हैं कि आज क्या नहीं करना है। तो कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपना गुस्सा, आपका जो फ्रस्ट्रेशन है, अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने दोस्तों के ऊपर नहीं निकालें, अपने साथियों, अपने अंडर काम करने वाले कोलिग्स के ऊपर आज अपना गुस्सा, अपना फ्रस्ट्रेशन मत निकालिएगा, बात बिगड़ सकती है। तो यू हैव टू कंट्रोल ऑन योर वर्ड्स, और अपने एग्रेसिवनेस को आज थोड़ा सा कंट्रोल करके
चलेगा, बाकी पूरा दिन आपका अच्छा रहेगा। तो दर्शकों, पंडित जी ने आपको 6 राशियों के बारे में बताया, आगे भी जानेंगे उनसे बाकी 6 राशियों के बारे में, लेकिन यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज पंडित जी से बात हो रही है राशियों के बारे में, राशि के अनुसार आज आपका दिन कैसा रहेगा, क्या कुछ खास आज आपको करना है। 6 राशियों के बारे में हमने पंडित जी से जाना, अब चलिए बात करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु के बारे में। जी आइए बिल्कुल जान लेते हैं तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे, कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल, ग्रहों की चाल। चलिए शुरुआत करते हैं। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अगर आपकी कोई पुरानी देनदारी है, किसी को पैसे देने हैं आपको, किसी से कर्जा ले रखा है अगर, तो उस कर्जे को चुकाने में, पुरानी देनदारी को चुकाने में आज आपको कामयाबी मिल सकती है। पॉकेट आज हल्की होनी है, निश्चित है। किसी की देनदारी भी चुकानी है और कुछ ज़रूरी सामान की शॉपिंग भी आज करनी पड़ सकती है, इसलिए डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में से पैसा कम होने वाला है, पॉकेट में से पैसा कम होना निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए अपनी पॉकेट का आज खास ख्याल रखिएगा, जेब का खास ख्याल रखिएगा। और ऐसी चीज़ें कतई नहीं खरीदनी है जो आपके काम में आने वाली नहीं हो। एक्सपेंसेस शुड बी वेरी केयरफुल, जो जरूरत की चीजें हैं वही खरीदेगा। आज वर्किंग सेक्टर में, आपके ऑफिस में, अगर आप अपने बॉस के साथ, अपने साथियों के साथ कुछ आपके मन के ओरिजिनल आइडियाज अगर शेयर करते हैं, तो निश्चित तौर पे जो आपके आइडियाज हैं उनको आपके बॉस, आपके कोलिग्स, आपके साथी पसंद करेंगे और उनके ऊपर वर्कआउट होना भी शुरू हो सकता है। आइए अब जान लेते हैं तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, उनको आज के दिन को सफल बनाने के लिए क्या करना है। तो तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन को सफल बनाने के लिए पक्षियों को दाना खिलाना है, दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अब बात करते हैं तुला राशि वाले दर्शकों को आज क्या नहीं करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो जितने भी हमारे तुला राशि वाले दर्शक हैं, आज को दिन को सफल बनाने के लिए मांसाहार का, नॉनवेज का सेवन आज के दिन आपको नहीं करना, इस बात का ध्यान रखिएगा, पूरा दिन आपका अच्छा बना रहेगा। चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन को सफल बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। पहले जान लेते हैं आपके राशिफल के बारे में। तो आज का दिन सुबह से लेकर शाम तक आपको बहुत व्यस्त रखने वाला है, बिजी रखने वाला है। दिन के फर्स्ट हाफ में प्री लंच सेशन के अंदर कुछ जरूरी फोन कॉल्स का जवाब आपको देना होगा, जरूरी मेल्स का जवाब देना होगा। आज कोई पुराना दोस्त या भूला बिसरा रिश्तेदार अचानक आपके सामने आकर खड़ा हो सकता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके पास कोई, आज चाहे आपका पुराना दोस्त हो, रिश्तेदार हो, मिलने वाला हो, कोई आए काफी समय बाद और अगर आपसे कुछ पैसों की डिमांड करे, कुछ उधार पैसा मांगे, तो पहले आप अपनी सेविंग्स के ऊपर ध्यान रखिएगा, अपनी पॉकेट का ध्यान रखिएगा और आने वाले खर्चों का ध्यान रखिएगा, उसके बाद ही अपने दोस्त रिश्तेदार को उधार दीजिएगा। अवॉइड करिएगा, आज आपको उधार नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं कि आज के दिन को सफल बनाने के लिए आपको क्या करना है। तो आज के दिन की सफलता के लिए हनुमान जी महाराज के सामने बैठकर बजरंग बाण का पाठ करके फिर आप घर से निकलिएगा, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अब बात कर लेते हैं आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या नहीं करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आज किस चीज से बचे। तो आज अपने दिमाग पर बहुत ज्यादा जोर नहीं देना है, सिर्फ अपने काम के ऊपर कंसंट्रेट करना है, निश्चित तौर पर दिन अच्छा रहेगा। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके वर्किंग सेक्टर में, कर्म क्षेत्र में, यानी ऑफिस में आपको कुछ नई रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा सकती है, नए अधिकार दिए जा सकते हैं, आपके काम में बढ़ोतरी हो सकती है,
किसी क्रिएटिव काम में भी आज आपकी रुचि बढ़ सकती है। तो अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है तो घबराइएगा मत, आप काम को मन से कीजिएगा, निश्चित तौर पे आप भी खुश महसूस करेंगे, अच्छा लगेगा कि मुझे आज काम मिला और मैंने इस काम को करके दिखाया, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा। जरूरी सामान की खरीदारी में आज शाम का समय बीतेगा। एक विशेष बात, घर में आज बड़े बुजुर्गों से बहसबाजी में नहीं उलझना है। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं कई बार अगर आपको कुछ कहते हैं उसके पीछे जो है वो उनके जो जीवन की निचोड़ होता है, उनकी लाइफ का निचोड़ होता है, जो उन्होंने देखा है उसका निचोड़ है। तो अगर बड़े बुजुर्ग आपको कुछ कह रहे हैं, उनकी राय भी सुन ली, क्या पता वो राय, वो उनकी सलाह कभी वक्त पड़ने पर आपके काम आ जाए। इसलिए बड़े बुजुर्गों से बहसबाजी मत कीजिएगा, उनकी बात को सुनिएगा और उसको अपने दिलो दिमाग में बैठा के रखिएगा। आइए जानते हैं आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें। आज के दिन की सफलता के लिए किसी 10 वर्ष से कम की कन्या के चरण छूकर तत्पश्चात दिन की शुरुआत कीजिएगा, निश्चित तौर पर आज आपका दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अब जान लेते हैं आज क्या नहीं करना है। तो आज गाड़ी चलाते समय अगर आप स्कूटी से जा रहे हैं, आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, आप कार से जा रहे हैं, या आप अगर पैदल भी चल रहे हैं, तो चलते समय, गाड़ी चलाते समय, कार स्कूटर मोटरसाइकिल चलाते समय आपको सावधानी रखनी है। आज गिरने पड़ने चोट लगने का डर है, भय बना रहेगा, तो गाड़ी को उतनी ही स्पीड में चढ़ाएगा जितना आप संभल सके, और सड़क पे भी चल रहे हैं तो चलते समय गिरने पड़ने का ध्यान रखिएगा। तो तुला वृश्चिक धनु राशि के बारे में आपने पंडित जी से जाना, अब बात करते हैं अगली तीन राशि यानी कि मकर कुंभ मीन के बारे में। आइए जान लेते हैं मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं कैसा रहेगा आज का दिन आपके लिए। आज सुबह से ही किसी नए प्रोग्राम को लेकर आपके अंदर एक नई शक्ति, एक नई एनर्जी आपको फील होती रहेगी। अपने अफेयर को लेकर आज आप काफी एक्साइटेड रहेंगे, किसी से मिलना है तो उससे आज मिलने का बड़ा एक्साइटमेंट आपके अंदर रहेगा। दिल की बात जुबान पर लाने का आज का दिन सबसे अच्छा है। ऑफिस में भी आज आपके प्रमोशन या सैलरी बढ़ाने की बात चल सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करना है इस पर चर्चा कर लेते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए तुलसी जी में जल का अर्घ देकर परिक्रमा करके फिर दिन की शुरुआत कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा रहेगा। आज क्या नहीं करें, आज अपनी दिनचर्या को डिस्टर्ब मत कीजिएगा, जो आपकी फिक्स दिनचर्या है उसके अनुसार ही चलिएगा, निश्चित तौर पर आपका दिन सफलताओं से भरा रहेगा। बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको दिन के पहले हिस्से में दूसरों की मदद करने का सौभाग्य मिलेगा। आज ऐसा कुछ हो सकता है कि दूसरों के हेल्प करना पड़े, किसी दोस्त या रिश्तेदार को छोटा मोटा कर्ज भी आज आप दे सकते हैं, किसी कठिन समस्या का समाधान भी आज के दिन निकल सकता है, किसी भी कठिन सिचुएशन में बड़ों से सलाह ले लीजिएगा, और अपनों से दूर जाने की स्थिति भी आ सकती है थोड़े दिनों के लिए, यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें, आज के दिन को शुभ बनाने के लिए अपने घर में गौ मूत्र का छिड़काव करें, कपूर आरती करें, तत्पश्चात घर से निकले, पूरा दिन अच्छा रहेगा, घर में भी खुशियाँ बनी रहेगी। आज क्या नहीं करें, आज अपने माता पिता का, अपने बड़ों का अनादर नहीं करना है, अपने माता पिता को कटु शब्द नहीं बोलने, उनका दिल नहीं दुखाना, इस बात का ध्यान रखिएगा। अंतिम राशि के बारे में बात कर लेते हैं, मीन राशि के बारे में। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज दिन के पहले हिस्से में आपको छुटमुट धन का लाभ हो सकता है, नौकरी से जुड़े कुछ मुद्दे आज हल हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कोई भी नौकरी शुरुआत में छोटी नहीं होती, बड़ी नहीं होती, एक बार एक्सपीरियंस हो जाए तो बस दुनिया अपनी मुट्ठी में ही समझिए। घर में किसी की शादी ब्याह की बातचीत भी चल सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करना है इसको समझ लेते हैं। भगवान सूर्य को गुड़ और इलायची मिला जल का अर्घ प्रदान करने के पश्चात दिन की शुरुआत कीजिएगा, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। आज क्या नहीं करें, आज किसी को रुपये उधार मत दीजिएगा, रुपये उधार दें तो ये सोच के दीजिएगा कि अब वो पैसा आपके पास वापस नहीं आने वाला है। तो दर्शकों, आज के शो में हमने बात की राशिफल के बारे में, कैसे आपको अपनी राशियों के अनुसार अपना दिन शुभ बनाना है, क्या कुछ खास करना है पंडित जी ने आपको बताया।
पंडित जी ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। आज के इस खास एपिसोड में इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।